नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर में तो इस समय हत्या की वारदात सामने आई है। दोस्ती तोड़ने पर पड़ोसी युवक की हत्या। सूरजपुर में हत्यारा दोस्त गिरफ्तार, सनकी किस्म का है आरोपी। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सोनगरा के सरस्ताल में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि युवक ने उससे दोस्ती तोड़कर बातचीत बंद कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सनकी किस्म का है। उसने गांव के एक अन्य युवक की भी मामूली विवाद पर हत्या की कोशिश की थी। वो मृतक का रिश्तेदार भी है। मिली जानकारी के अनुसार 16 नवंबर को सरिस्ताल निवासी युवक रामेश्वर रागवाड़े की टांगी मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अपने घर में सो रहा था। रामेश्वर की पत्नी की चीख सुनकर उसका बड़ा भाई उमाशंकर मौके पर पहुंचा तो उसने रामेश्वर को खून से लथपथ शव पड़ा देखा। घटना के दौरान रामेश्वर की पत्नी और साली दूसरे कमरे में सो रहे थे। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला था। पुलिस पूछताछ में कोई भी सुराग नहीं मिला। इस बीच सरस्ताल निवासी आलम साय की पत्नी ने मृतक के बड़े भाई उमाशंकर को सूचना दी कि उसके पति ने ही रामेश्वर की हत्या की है। आलम साय ने इस बारे में उसे बताया है। आलम साय पूर्व में रामेश्वर रागवाड़े का दोस्त था और रिश्तेदार भी था, इसलिए उमाशंकर सदमे में आ गया। उसने इसकी सूचना भटगांव पुलिस को दी। भटगांव पुलिस ने आलम साय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने रामेश्वर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करना स्वीकार किया। भटगांव थाना प्रभारी फर्दीनंद कुजूर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि उसकी मृतक से दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे घर आना जाना करते थे। पिछले कुछ दिनों से रामेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था। उसने कई बार मनाने की कोशिश भी की लेकिन रामेश्वर नहीं माना तो खफा होकर उसने रामेश्वर हत्या की ठान ली। 16 नवंबर को देर रात आरोपी आलम साय कुल्हाड़ी लेकर रामेश्वर के घर में घुसा था। आंगन के रास्ते वह उसके कमरे में गया जहां उसने सो रहे रामेश्वर पर टांगी से हमला कर उसे मार डाला। पूछताछ में पता चला कि रामेश्वर ने गांव के ही एक युवक से विवाद होने पर उसके घर में रात में घुसकर उस पर फरसा चला दिया था। गनीमत ये रही कि युवक उस दिन अपने बिस्तर पर नहीं सोया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 की कार्रवाई की है।